मैथिल भाषियों के बीच पाग पहनने की अपनी विशिष्ट परंपरा रही है। विवाह, उपनयन संस्कार, बारात में पाग पहनने की खास संस्कृति रही है। पाग लिंग भेद का शिकार भी रही है, क्योंकि इसे पहनने का अधिकार भी सिर्फ पुरुषों को रहा है। मगर मिथिला लोक की पहल से पाग अब वह रूप और आकार ग्रहण करने की दिशा में चल पड़ी है, जहां इसे महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे सभी धारण कर सकते हैं। इसके लिए हमने मिथिला और मिथिला के बाहर कई लोगों की राय ली। पाग जे छे से कोनो वर्ण विशेष कर लेल नहीं छे। पाग मिथिला के शान छे, मिथिला के इज्जत छे, ते सब मैथिल के पाग पहिरबाक चाही आ मिथिला के शान इज्जत बढ़ेबाक चाही। पाग अपन मिथिला के शान छे, एहिले अगर भऽ रहल छै कि पाग हरदम पहिरबाक चाही आ ओकर सुंदर डिजाइनिंग भऽ रहल छै, तऽ बहुत नीक बात छै, बढ़िया बात छै, सुंदर बात छै। नमस्कार, हम पवन मिश्रा अहाँ सबके नमन करै छी और संगे अहाँ से विनम्र अनुरोध करै छी जे हमर पाग जे मिथिलावासी के बहुत शान के गप छै, अहाँ से अनुरोध अछि जे कि एकरा अपना सर पर हमेशा धारण करियो, जे हमर मिथिला के एकटा मिथिला के पहचान छै। मिथिला सब लोग के नमस्कार। अपने से आग्रह जे अपन मुकुट जे मिथिला के अछि, पगड़ी, पाग, तकर शान के बचावी आर ऐतिहासिक महत्व के दैत एकरा आगू बढ़ावी। नमस्कार, हम विमल जी मिश्र अपने सब से आग्रह करब कि अपन मिथिला के मान सम्मान, स्वाभिमान के प्रतीक पाग अछि, समस्त मिथिलवासी धारण करो और अपन मिथिला के सम्मान बनेने राखू। नमस्कार, अपने सब जरूर ए बात पर ध्यान देवे, धन्यवाद। पाग मिथिला के शान छै, सब गोटे पहिरू, मिथिला के शोभा बढ़ाबू। ये पाग मिथिलांचल की शान है, इस पाग को पहन के हम काफ़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये पाग जो पूरे बिहार वासियों का पाग होना चाहिए, ये सभी जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके सभी लोगों को इसको हमेशा पहनना चाहिए। जहाँ तक कि पाग की विषय है, पाग हो या पगड़ी, हमारे पूर्वजों की शान रही है और इस विषय पे आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि पगड़ी जो होती है हमारे शान होती है। जब पैसे नहीं होते थे तो अपनी पगड़ी को उसके बेटे वाले के चरणों में रख देता था, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पगड़ी का महत्व कितना है हमारे बिहार में या पूरे यूपी में कहीं भी, और मिथिला में तो कहिए ही मत। वो पाग देखने के बाद लगता है कि हाँ, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अथक प्रयास से बिहार सरकार इस पगड़ी को हम स्टेट लेवल पे घोषित करें और जितना जल्द से जल्द हो सके। ये जो पाग है बिहार का, मिथिलांचल का, इस पाग को एक पगड़ी के तरह सर पे पहनते हैं, तो इसके हम स्टेट सरकार से मांग करते हैं कि आगे इस पाग को स्टेट में घोषित किया जाए और हमारा जो पाग है, पाग को एक स्टेट लेवल पर दर्जा दिया जाए। बहुत नीक प्रयास है, आदिकाल से अपना सब देश पाग के प्रचलन रहे और कखनो कोनो शुभ घड़ी में अपने सब पाग के यूज करे छलिए, लेकिन ये देखल गेलिए कि धीरे धीरे ये प्रथा अपना सब देश से लुप्त भ रहल है। लुप्त हुआ के बहुत सारा कारण भ सके छै, एमे से एकटा कारण जे छलिए हमरा लागैए से छलिए कि एकर ग्रिपिंग के कारण छलिए। हम सब एकरा पाग के जखन पहिरे छलिए तऽ ओ पाग में ओ ग्रिपिंग नहीं आबे छलिए आर जखन हम ककरो संगे बात करय लगलौ या कतौ किनको प्रणाम करय लगलौ तऽ कतौ ना कतौ खसक के डर रहै छलिए। तऽ जे अहाँ सब पाग के ग्रिपिंग के ऊपर काज कर रहल छियै, पाग के ऊपर काज कर रहल छियै, मिथिला समाज के ऊपर काज कर रहल छियै, सच में सराहनीय कदम है अहाँ सबके और हम बहुत बहुत अहाँ सबके अभिनंदन करै छी कि एहि प्रकार के प्रयास हुआ चाही और मैथिल और मिथिला के नाम जग में प्रसारित हुआ चाही। आई कदम अहाँ सबके कदम सच में सराहनीय है। तो ई जे पाग छे से अपना सबके मिथिलांचल के ई धरोहर छे, एक हिसाब से ई पाग जे छे से मिथिला के शान छे और ई अपना सब लग से ई विलुप्त धीरे धीरे विलुप्त भ जा रहल है। एकरा हमरा सबके बचेबाक है, कोनो हालत में बचेबाक है और एक पाग से कोनो जाति धर्म के कोनो मतलब नहीं रहते। सब लोकन ई पाग के पहिरत और मिथिला के शान के बढ़ावत और एकरा अबे वाला समय में, भविष्य में एकरा बिहार कैप के रूप में एकरा
सरकारसँ मांग कऽ कऽ एकरा ई चीजके मान्यता दिएबाक छै। मिथिलाञ्चलमे जे पागके प्रथा छलैया, जेना हमरा सबके बुझल अछि कि पाग लगभग 5-6 वर्ष पूर्व छै, लेकिन वर्तमान परिस्थिति एहन बनि गेलैया कि धीरे धीरे लोक एकरा बिसरऽ लागल छै। तऽ एहि पागके लेल जे आन्दोलन चलाएल जा रहल अछि, जेना पता चलल अछि, तकरा नीकसँ नीक रूपमे दऽ कऽ आन्दोलनके आगू बढ़ाएल जाए। एहि पागके नया डिजाइन नया लुकमे आनि कऽ एकटा आम आदमीके उपयोगमे लाएल जाए आओर एहि मिथिला कैप जकरा कि लोक पागसँ जानि रहल छै, तकरा बेसीसँ बेसी आदमी तक पहुँचाकऽ जाति धर्मसँ ऊपर लऽ जा कऽ एकर उपयोगिता बनवाएल जाए। पाग जो है मिथिलाके शान है, जो आजके डेटमे यह विलुप्त हो रहा है, जिसे हम सभी आदमी को इसे यूज करना चाहिए, या छोटे हो बड़े हो, किसी भी धर्म किसी भी जाति के लोग इसे यूज करें, और यह आने वाले समय में बिहार कैप के रूप में जाना जाना चाहिए। पाग जे छै से मान सम्मान स्वाभिमान के लोग पहिरे छै, एकरा बरकरार राखक छै, सब जाति धर्म के मान सम्मान स्वाभिमान भी छै, तैं एकरा बिहार सरकार सब अपील हम करबनि, एकरा राज्य के जे पाग कैप घोषित कऽ देथिन, तैं हम अहाँ सबसँ अपील करब इएह करी। पाग हमर मिथिला के धरोहर छी, एहि दुआरे से कि कहै छै हमर संस्कृति मे पाग हर बच्चा के पहिरबाक चाही, हर बुजुर्ग के पहिरबाक चाही, और जे विलुप्त भऽ रहल अछि से हर हम अपन अबै वला पीढ़ी के संदेश दिए, और हर के बच्चा के पाग पहिरे के लेल प्रेरित करिए, और ई जे स्टेप लेबऽ जा रहल अछि एहि पर ई बहुत पैघ स्टेप अछि, बहुत पैघ अचीवमेंट है यदि सफल होइए। तो पाग जे अछि एकर बहुत पैघ इतिहास छै मिथिलाञ्चलमे, ई विलुप्त भेल जा रहल छै, तऽ हमरा उम्मीद जे सब पहिरथि, एकरा कोनो जाति धर्मसँ नहि जोड़ल जाए, आ ई सक्सेस हैत। मिथिला लोकके बहुत पैघ अभियान छै, ई बिल्कुल मिथिला लोकके सफल अभियान रहत। ये जो मिथिला की कैप है, ये वहाँ की आइडेंटिटी है, मैं चाहती हूँ कि वहाँ के सब लोग ये पहने। पाग प्रत्येक व्यक्ति तक आसानी से उपलब्ध हो, इसके लिए मिथिला लोक ने एक शानदार परियोजना बनाई है, और इस पर एक सक्षम टीम की सहायता से कड़ी मेहनत की जा रही है, ताकि पाग न सिर्फ हर मैथिल की अस्मिता का वाहक बने, बल्कि बिहार सरकार को भी इसे स्टेट कैप स्वीकार करने में संकोच नहीं हो। मिथिला लोक के लिए कैमरामैन केशव के साथ ब्रजेंद्रनाथ झा।